हेलो फ्रेंड, देखिए ये JBS कंपनी की हमारी इंस्टेंटेनियस डिफाइन टाइम ओवर वोल्टेज रिले। तो देख सकते हैं जो इसकी इस तरीके से दिखाई देती है, ये हमारी ओवर वोल्टेज है जो 48 वोल्ट DC की है। देखिए इसको ऑक्सिलरी सप्लाई 230 वोल्ट AC है और ये इसका सीरियल नंबर है और ये टाइप हो गया इसका। देखिए इसकी सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं आपको मैं सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप इसके टर्मिनल डिटेल के बारे में बता देते हैं, तो चलते हैं इसकी रियर साइड में। देखो उसकी रियर साइड देखिए इस तरीके से होती है। ये इसके टर्मिनल पे लिखा भी होता है 230 वोल्ट AC, तो ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल ये दो है इसके ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए है AC के, और ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल इसकी DC सप्लाई के लिए है, क्योंकि DC ऑपरेटेड ये ओवर वोल्टेज, यानी कि जब DC की वोल्टेज 48 वोल्ट से ज़्यादा होगी तो ये ऑपरेट हो जाएगी। और ये इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट देखिए, ये कॉमन हो गया इसके साथ NO और ये NC है। ये दूसरा इसी तरीके से कॉन्टैक्ट है इसका, ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉमन है, ये NO और ये NC और ये इसकी अर्थिंग के टर्मिनल है। तो इसमें दो चेंज ओवर कॉन्टैक्ट होते हैं, एक DC की सप्लाई के लिए टर्मिनल होता है और AC की सप्लाई के लिए टर्मिनल होता है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें आप वायरिंग कर सकते हैं। तो चलते इसकी फ्रंट साइड में किस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग करने के लिए आपको इसका कवर उतारना पड़ेगा। कवर उतारने के लिए हल्की सी आप इसमें फोर्स करेंगे तो इस तरीके से इसका कवर ही उतर जाता है। देखिए तो देखिए यहाँ से आप इसकी वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से इसके आप टाइम की सेटिंग कर सकते हैं, जब इसमें फॉल्ट आएगा यहाँ से रिसेट कर सकते हैं, और नॉर्मल जब आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं, इसको टेस्ट बटन को दबाएंगे तो इसमें इसके कॉन्टैक्ट चेंज ओवर कर जाते हैं, जब इसमें सप्लाई चलेगी तो हम आपको वो टेस्ट भी करके दिखाएंगे और इसे रिसेट भी करके दिखाएंगे और ओवर वोल्टेज भी इसको ऑपरेट भी करके दिखाएंगे, यानी कि टेस्टिंग की वीडियो हम अलग से बनाने वाले हैं। तो जब इसमें ऑक्सिलरी सप्लाई आ जाएगी, यानी कि AC सप्लाई 240 वोल्ट AC लग जाएगी तो ग्रीन लाइट जल जाएगी, और जब कोई फॉल्ट आएगा यानी ओवर वोल्टेज होगा DC का तो ये वाली लाइट जल जाएगी फॉल्ट पर, और ट्रिप की लाइट यहाँ पे जो हमारी ओवर वोल्टेज की जो कॉन्टैक्ट है जो हमने इसमें कॉन्फिगर R1 और R2 है उस पर जब वो चेंज ओवर कर देंगे तो यहाँ पे वाले कॉन्टैक्ट भी ऑपरेट हो जाएंगे। तो देखिए इसकी सेटिंग करने के लिए इसमें लिखा हुआ है 105 to 170%, यानी कि 105% से 170% की आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं, मिनिमम 105% की इसमें रहेगी। देखिए यहाँ पे जिस साइड में इसका डिप स्विच रहेगा उस तरफ आपकी जो है सिग्मा में इसकी वोल्टेज ये परसेंटेज ऐड हो जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो डिप स्विच है 105 की साइड में, यानी कि अभी मिनिमम सेटिंग इसकी 105 यानी कि 105% पे है, यानी कि इसकी सेटिंग फ्रेंड्स यहाँ पे भी 105% यानी कि 48 वोल्ट तो ये है, ये मैं 100% पे, तो 5% पे 10% पे इसका हो जाएगा 4.8, तो 5% पे हो जाएगा इसका 2.4, तो 2.4 ऐड कर दो 48 में तो लगभग 50.2 इसकी जो है ओवर वोल्टेज की भी सेटिंग यहाँ पे हो रखी, यानी कि 50.2 पे। तो यदि आप उस तरीके से इसमें जैसे ऑन कर देंगे 110 पे हो जाएगी 110, यानी कि 48.4 ऐड कर देंगे तो 48 में इसमें उस हिसाब से इसकी सेटिंग हो जाएगी, यानी कि 52.8 की 110% इसकी सेट हो जाएगी। यानी जो भी आप इसमें डिप स्विच ऑन करेंगे वो इतनी परसेंटेज इसमें ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इस डिप स्विच को यहाँ पे आप मैनुअली स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ये इसको ऑन कर देंगे तो 110 पे हो गई, इसको ऑन कर देंगे तो 120% हो गई, 140 और ये 170% जैसी सेटिंग हो गई। तो मिनिमम जिस तरीके से इसकी थी उसी तरीके से हम इसको डिफॉल्ट में सेट करके छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से डिप स्विच की हेल्प से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और ये टाइम की सेटिंग है, टाइम 0 से 15 सेकेंड इसमें डाल सकते हैं, ये भी सिग्मा में है, मिनिमम 0 सेकेंड इसमें रख सकते हैं, यानी कि इंस्टेंटेनियस ही ऑपरेट हो जाएगी, जैसा इसमें लिखा है इंस्टेंटेनियस डिफाइन टाइम, यानी आप इंस्टेंटेनियस भी ऑपरेट कर सकते हैं इसको और डिफाइन टाइम भी, या तो जितना टाइम इसमें सेट कर देंगे उस हिसाब से ये ट्रिप करेगा उतनी देर के बाद में। तो देखिए यदि आप इसको 1 सेकेंड पर ऑपरेट कर देंगे तो यानी कि जैसे ही ओवर वोल्टेज होगा तो 1 सेकेंड के बाद ये ट्रिप होगा। यदि आप इसको 2 नंबर भी यहाँ पे ऑन कर देंगे तो यहाँ पे 3 सेकेंड होगा, यानी कि जब ओवर वोल्टेज होगा 3 सेकेंड के बाद ही ऑपरेट हो जाएगी। तो जिस भी डिप स्विच को इसमें ऑन करते जाएंगे वो उतना इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखिए अभी 4 ऐड हो गया, यानी कि 7 सेकेंड के बाद ये ऑपरेट हो जाएगा, और जब इसके सारे के सारे डिप स्विच यहाँ पे ऑन कर देंगे तो यानी जब इसमें ओवर वोल्टेज होगी तो ये 15 सेकेंड के बाद ऑपरेट होगी, 15 सेकेंड से पहले ऑपरेट नहीं होगी। तो अभी इंस्टेंटेनियस पे इसको सेट कर देते हैं जिस तरीके से था पहले से ये। तो इस तरीके से ये आप इसकी यहाँ पे डिप स्विच के थ्रू सेटिंग कर सकते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको जो JVS इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की रिले होते हैं ओवर वोल्टेज रिले, इसके बारे में आपको मैंने डिटेल में बता दिया किस तरीके से टर्मिनल के कनेक्शन कर सकते हैं और किस तरीके से डिप्स के थ्रू आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, टाइमिंग की सेटिंग और वोल्टेज की सेटिंग। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।